press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन कैसे पता कर पाएंगे कि वह ट्रेन कहाँ है, वो कितने लेट में आने वाली है, और बहुत से इसमें अच्छे अच्छे फीचर आप देख सकते हैं, उसमें हम दिखाएंगे अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ टैप कर लेना, वेयर इज माई ट्रेन, वेयर माई ट्रेन। तो इस प्रकार लॉगो आएगा, वेयर इज माई ट्रेन, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑफलाइन भी चलती है, नेट नहीं रहे फिर भी ये चलती है। तो इसमें बहुत अच्छा फीचर दिखाया गया है, इसमें मैं दिखाऊंगा बहुत अच्छा अच्छा जो इन एप्लीकेशन में नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ओपन कर लेना, मेरा डाउनलोड था इसलिए मैं यहाँ पे ओपन शो कर रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना पहले। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ करना ओपन करना है, इस प्रकार इंटरफेस आएगा। जब ओके करो तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, स्पॉट है, PNR है और सीट है। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, कौन सा लैंग्वेज रखना है, सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया, देख सकते हो। हिंदी भी कर सकते हो, मराठी, जो भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो यहाँ से। तो लैंग्वेज चूज कर लेना, जो भी रखना है। अब देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ PNR नंबर है। तो अब से कोई भी ट्रेन का टिकट अगर बुक किए तो यहाँ PNR नंबर से आप चेक कर सकते हो, सारा स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा PNR का। और यहाँ पे सीट देख सकते हैं, यहाँ सीट है, कोई भी सीट, मतलब यहाँ से ट्रेन से चेक कर सकते हैं, सीट खाली है नहीं है, कितना है नहीं, सारा यहाँ पे मतलब दिखाएगा इसमें सीट में। और देख सकते हैं यहाँ से आप फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, दोस्तों आप कहीं से भी, जैसे आपको जाना है दिल्ली से कोलकाता, तो यहाँ पे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता लिख सर्च करना है, और उसके बाद नीचे दबाना है फाइंड ट्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड ट्रेन लिखा हुआ है, तो जो भी दिल्ली से कोलकाता जाएगी सारे ट्रेन यहाँ पे दिखाएगा, कितने बजे कौन, मतलब जो भी डे होगा सारा दिखाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं, और फ्रेंड नीचे लिखा है स्पॉट ट्रेन, यहाँ पे आप ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम देख कर भी सर्च कर सकते हो। और नीचे लाइव स्टेशन, कोई भी स्टेशन का लाइव स्टेटस क्या होता है, कौन से ट्रेन कब आने वाले स्टेशन में, कितने गाड़ी है, मतलब आएगी सारा दिखाएगा, कब आएगी नहीं आएगी सारा लाइव स्टेशन का वो दिखाएगा इसमें। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे अपने स्टेशन का एक लाइव स्टेशन क्या है, कौन सी ट्रेन कब आने वाली, सारा दिखाएगा स्टेशन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, सर्च करके दिखा दे रहा, कोई भी स्टेशन का सारा स्टेशन कोड भी डाल सकते हो या नेम कुछ भी, तो सिंपली मैं दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ऑल है, लोकल है, नॉन लोकल है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ लोकल भी चेक कर सकते हो, लोकल ट्रेन का और नॉन लोकल भी। तो मैं देख रहा हूँ ऑल में किया हूँ, तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन का नंबर, ट्रेन वो कहाँ से कहाँ जाती है, आप यहाँ से टाइम भी दिखा रहा है देख सकते हो, और कितना लेट चल रहा है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म नंबर भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत अच्छा अच्छा फीचर आप देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है देख सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते नीचे भी सारा ट्रेन आ रहा है, जो भी मतलब सारा ट्रेन यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ये वाला ट्रेन जो कोलकाता एक्सप्रेस, देख सकते हैं यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ उसका पूरा लाइव दिखाया कि ट्रेन अभी कहाँ है, कितने दूर। अब देख सकते हैं बंधुवत तो किलोमीटर बता रहा है, जो टंकुप्पा 11 बजे पहुँचने वाली। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन का ये लाइव शो है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आएगी, जो 4 घंटे 26 मिनट लेट चल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे लेट भी शो कर रहा है, और 141 किलोमीटर पारसना शो कर रहा है देख सकते हैं यहाँ से। डिस्टेंस भी दिखा रहा है सारा, 2 किलोमीटर तो बंद हुआ देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा फीचर ये, जैसे आपने दोस्तों के पास शेयर करना कि मैं कहाँ हूँ, नहीं सारा चीज़ शेयर कर रहा हूँ, फेसबुक, व्हाट्सअप से, मैसेज, जो भी शेयर करना, यहाँ से शेयर का भी ऑप्शन दिया है, अपना स्टेटस भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फीचर इसमें, और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट रहेगा फिर भी चलेगा, नहीं रहेगा फिर भी GPS से चलेगा जी पे, और सेल टावर भी दिया है, और अगर सेल टावर जब भी काम करेगा तो जब आप ट्रेन के अंदर रहोगे तब। और यहाँ GPS देख रहे हैं, GPS का है, और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सीट, आप कोई भी ट्रेन का जैसे कौन से S1 S2 किधर पीछे आगे सारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PC S11 ये सारा यहाँ से आप देख सकते हैं।
और फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लोअर मिडिल अपर, जैसे कोई भी ट्रेन का टिकट अगर बुक किए तो सीट का भी जैसे मतलब पता नहीं है कहाँ मतलब कौन सा नंबर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर में लोअर है, 18 में मिडिल है, देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स अलार्म का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ अलार्म का भी मतलब कौन से स्टेशन में कितने बजे पहुँचना है अलार्म भी लगा सकते हो। जैसे 10 बजे उतरना है आपको कोई भी स्टेशन, तो वहाँ का अलार्म लगा देना है, तो सिंपल जब स्टेशन पहुँचोगे तो अलार्म मोबाइल में बजने लगे, तो ये भी बहुत अच्छा है इसमें। और फ्रेंड्स और अच्छा अच्छा इसमें देख सकते हो कोई भी ट्रेन का सारा यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं तो टुडे आज भी कल का भी कभी भी का देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो यहाँ सारा ट्रेन था। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।